If you fall, never give up. Who said these words? These are the words of Mr. APJ Kalam. Fail. The spelling of fail is F-A-I-L. Fail. Fail means first attempt in learning. So students, never give up. Be positive. A very warm good morning to everyone. See students. As your this is a festival time, everyone is celebrating, but now it is a study time. So let's begin with the recall of the topic, whatever we have studied in our previous class. Yes, students, we were discussing about the effects of heat. Effects of heat? Yes. What are the effects of heat? The first and the major effect of the heat, actually all effects are major because they are changing. They are bringing the change. What type of change? Doesn't mean that I will change, you will change. No. Actually, heat is changing the temperature. Heat can change the state of matter. Heat can expand the objects. Okay, students. Now, first of all, we will discuss how heat can change the temperature. It can bring the rise in temperature. See, beta, aajkal kitni garmi hoti hai, hai na? Pata hai wo garmi ki reason kya hai? Because temperature is high. To uski wajah se kya hota hai? Har cheez garam, har cheez ka temperature rise, hai na? Kitni problem hoti hai na? Jis cheez ko chhuo, agar wo khule mein rakhi hui hai, dhoop mein rakhi hui hai, then it will become hot. Okay? Now, rise, change in the state of matter. How state of matter is changed, beta? Dekhiye, abhi aap water bottle nikal kar table par rakhiye. Phir just aap thoda sa, acha main bhi aata hu bottle ke paas. Theek hai, wapis aate hain. Aap kya dekhte hain? Condensation is there. Condensation means? Yes, we have discussed about this term in our previous class. Kya tha uska matlab? Yes. Gas, which is releasing out from a cold bottle, is converting into liquid. Means, वो जो gaseous state थी, वो किस में convert हो गई? Liquid state में. अगर आपने अपने juice के glass में ice cubes डाले हैं, और आप अपना juice का glass रख के जा रहे हैं, ठीक है? Within 5 minutes, आपके juice के glass में ice cubes नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? Because the temperature is rising. टेम्परेचर आजकल बहुत बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से क्या हो गया है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. सॉलिड क्या बन जाएगा? लिक्विड. ठीक है, यू विल बी अनेबल टू आइडेंटिफाई कि इसमें आइस क्यूब्स थे भी या नहीं थे. ओके, एनी अदर एग्जाम्पल आप लोगों ने कुछ सोचा हो? कोई है एग्जाम्पल ऐसा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर अदर देन वॉटर? अच्छा, हम लोग आजकल हिली स्टेशन पर घूमने जाते हैं, लोग बताते हैं दिसंबर में यहाँ पर बर्फ होती है, आजकल नहीं होती है, है ना? ऐसा होता है ना? ऐसा हमने सुना है ना? यस, जो बहुत कोल्ड प्लेसेस है ना, वहां पर भी बर्फ जो है वो मेल्ट हो जाती है. आजकल आइस नहीं मिलती है मैक्सिमम प्लेसेस पर. ऐसा नहीं कह रही हूँ सब जगह, बट टेम्परेचर का इफेक्ट तो हर जगह पड़ता है ना? अच्छा, एक्सपेंशन. एक्सपेंशन के बेटा हमने बहुत से एग्जाम्पल्स उस दिन डिस्कस किए थे. आपको याद होगा, वी वर डिस्कस्ड अबाउट द ब्रिज, अबाउट द रेलवे ट्रैक, अबाउट द वायर फिटिंग्स ऑन द स्ट्रीट्स, है ना? देखा है ना हमने? यस. बेटा, उन्हें हमेशा क्या किया जाता है? लूज छोड़ा जाता है. क्यों लूज छोड़ा जाता है? कि अगर एक्सपेंशन हो या कॉन्ट्रेक्शन हो, तो वो जो लूजनेस है ना, उसी में हो जाए. अगर हम कोई चीज बिल्कुल टाइट रखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो इस कॉर्नर से भी अटैच्ड है और बिल्कुल टाइटली इस कॉर्नर से भी अटैच्ड है, तो अगर एक्सपेंशन होगा तो टूट जाएगा. सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? टूट जाएगा. टूट जाएगा ना बेटा? विंटर्स में जब कॉन्ट्रैक्ट होगी कोई चीज, टूट जाएगी. तो इसकी वजह से उन्हें लूज छोड़ा जाता है कि अब चाहे एक्सपेंशन करो चाहे कॉन्ट्रैक्शन करो, है ना? टूटोगे नहीं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, ब्रिजेस.
बेटा आपको पता है ब्रिजेस में बहुत सारा मेटल लगा हुआ होता है. मेटल मींस आयरन. आयरन ब्रिजेस आर देयर. और आयरन क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ना. आयरन इज अ मेटल, हार्ड मेटल. तो बेटा उसमें क्या होता है, वो बहुत सारी हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है. हमेशा ओपन एरिया में होते हैं ब्रिजेस, है ना. तो बेटा उसकी वजह से क्या होता है कि इतनी हीट एब्सॉर्ब करने की वजह से वो एक्सपेंड भी करते हैं. और नेचुरली जब विंटर्स होते हैं और वो अभी भी ओपन एरिया में है ना, हमेशा ही ओपन में होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं. तो ड्यू टू दैट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, अगर वो प्रॉपरली फिक्स होंगे, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी उनके स्पेस में, तो क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा पुल, है ना, कोलैप्स हो जाएगा ना. तो उसकी वजह से क्या किया जाता है, जहां पर भी आयरन का यूज करते हैं वहां पर भी थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ देते. रीजन इज दैट कि जब स्पेस अवेलेबल होगा तो कोई भी चीज उसी स्पेस में फैलेगी, है ना. लाइक अगर आप ग्लास में वाटर डालते हो तो वो ग्लास में ही गिरता है ना. लाइक अगर मैं ऐसे फिल करके वाटर लेती हूँ तो वाटर मेरे हैंड्स में डिपॉजिट हो जाता है और फिर मैं ऐसे खोलूंगी तो निकल जाएगा. तो इट मीन्स उसे स्पेस मिला, जहां से स्पेस मिला वहां से वो निकल गया. सिमिलरली विथ मेटल्स, अगर स्पेस आपने छोड़ा है तो उसी स्पेस में बढ़ेंगे, है ना, और उसी स्पेस में कॉन्ट्रैक्ट होंगे. क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, टूडे वी विल डू अ रिटन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ हीट. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द ट्रांसमिशन ऑफ हीट एंड द रिटन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Students, first of all, you will write this question in your notebook, which is based on the effects of heat. Okay, there are two questions which is based on this topic. First, long question number one, which we are writing now, and later on we will discuss about the next question, and we will do that question also in our notebook. Okay, students. So first of all, start writing the question in your notebook. Use black pen, date, page numbers, everything. Okay? Now, what is thermal expansion? See students, thermal is meant for heat. Okay? Thermal is then another term which is used for heat. Expansion, you understand, means phailna, kisi cheez ka expand ho jana. Heat ki wajah se expansion, expand hona means thermal expansion. Expansion due to heat is known as thermal expansion. Okay? Sometimes thermal expansion in solid poses certain problems in practical life. Mention three such problems. Also suggest the precautions to overcome them. Okay, students, this is the question. Now start writing the answer with blue pen. First of all, start writing what is thermal expansion. Expansion due to heat is known as thermal expansion. Okay, it's known as is written two times. Beta, these are the problems which we were discussed in our previous class. And today also, we had recalled these problems. And now, we are going to write these problems in our answer. Same problems, ek wo wire wali, ki why street wires jo hote hain, wo unhe itna dheela sa kyun bandha jata hai, dheela sa tie up kyun kiya jata hai. The second one is girders, buildings या bridges बनाते वक्त जो girders लगाए जाते हैं, iron girders, उन्हें space के साथ क्यों लगाया जाता है, कुछ space क्यों छोड़ा जाता है, ठीक है. अगर space नहीं छोड़ेंगे तो building या bridge जो होगा वो collapse हो जाएगा बेटा. And the second one is railway track. Railway track क्या होता है, जब रेलवे लाइंस डाली जाती हैं बेटा तो उनमें गैप छोड़ा जाता है, एज आई टोल्ड यू. ओके, इन द रिकॉल ऑफ दिस टॉपिक. नाउ वी आर गोइंग टू राइट देम. ओवरहेड टेलीग्राफ एंड इलेक्ट्रिक वायर्स स्नैप व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट इन विंटर एंड बिकम टॉट. एंड द सॉल्यूशन इज दे आर मेड टू सैग व्हाइल फिक्सिंग देम टू प्रोटेक्ट. ओके बेटा, द मीनिंग ऑफ स्नैप इज, स्नैप का मतलब होता है बेटा कोई चीज बहुत ज्यादा चटक जाए. चटकना मतलब होता है बेटा मतलब जगह जगह से कोई चीज टूट जाती है ना, चटक जाती है,
दैट इज स्नैपिंग. ओके एंड टॉट मीन्स बहुत ज्यादा टाइट हो जाना. ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे इस विंटर में तो क्या होगा, या तो ये चटक जाएंगे और ये बहुत ज्यादा टाइट हो जाएंगे. उसके लिए बेटा सॉल्यूशन है, दे आर मेड टू सैग. सैग सैग मीन्स इन्हें बहुत ढीला सा फिक्स किया जाता है, बहुत ढीला छोड़ा जाता है. ओके, नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम इज गार्डर्स दैट सपोर्ट आयरन ब्रिजेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग ड्यूरिंग समर एंड ब्रेक ब्रिजेस एंड ब्रेक ब्रिजेस में कोलैप्स. क्या होता है, एक्सपेंड हो जाएंगे हीटिंग से, है ना, और क्या होगा, ये ब्रिज को ब्रेक कर देंगे. ठीक है, ओके. अब होता क्या है, गार्डर्स को रोलर में रखा जाता है. रोलर में बेटा क्या होता है, रोलर में गैप होता है, क्लियर, और उस गैप में ही जो गार्डर होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं और उसी में क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. इससे उनके जो ब्रिजेस होते हैं, उनके जो सीमेंट होता है, जो ब्रिक्स लगी होती हैं, है ना, जिससे वो फिक्स होते हैं रोलर्स, उन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है गार्डर्स का, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का. ओके, नाउ इफ रेलवे ट्रैक आर फिक्स्ड एंड टू एंड देन इन समर दे वुड बैंड ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉज एक्सीडेंट्स. रेलवे ट्रैक क्या करेंगे बेटा, अगर एंड टू एंड फिक्स होंगे तो वो एक्सीडेंट्स कॉज करेंगे जब वो ब्रेक हो जाएंगे तो. इसलिए रेलवे लाइंस में गैप छोड़ा जाता है बेटा. ठीक है, हमेशा उनकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, हमेशा उनमें गैप होता है, ब्रेक होते हैं. सो दिस इज द आंसर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 एंड यू विल राइट दिस आंसर इन योर नोटबुक प्रॉपरली इन दिस वे ओनली. ओके, इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इट विल बी इजियर टू लर्न. Now second question, long question number 5 for today as written work. List 4 main effects of heat. Students, they are asking for 4 effects and we have studied about 3 effects in our notebook. Okay? First of all, write down the 4 effects that are mentioned in the form of bullet points. Okay? Later on, we will explain any 2 because in the question, although it is not written over here, but in the question it is mentioned that you have to explain any 2 points. Okay, so here I am explaining 2 points, first and second bullet point. You can explain anyone in your own words. Okay students, now the answer is heat causes temperature to rise. Heat causes change of state of matter. It may change the physical properties of the substance like color, shape or size. Heat causes expansion. Now explanation of any 2 headings. Here I am explaining heat causes temperature to rise. See students, when a substance is constantly heated, its temperature rises. For example, metallic products become hot when they stagnate in direct sun. बेटा मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको यूटेंसिल या आपकी स्कूटी अगर बाहर खड़ी होगी तो आजकल देखिएगा वो बहुत गर्म होगी. व्हेन यू टच इट, आप उसको टच करेंगे तो आपको फील होगा कि अरे यार कितनी गर्म हो रही है ना. दिस इज बिकॉज टेम्परेचर टू राइज, हीट इज कॉजिंग. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज हीट कॉजेज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर when heat energy is absorbed or released. Okay students, see क्या होता है, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया था बेटा, है ना, आइस का एग्जाम्पल दिया था कि आप लोग अभी मॉर्निंग अभी स्टार्टिंग में भी लेक्चर के मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था कि आइस अगर आप छोड़ दोगे तो क्या होगा, वॉटर बन जाएगी, है ना, और थोड़ी देर के बाद आप आकर देखोगे तो वो गायब हो जाएगी, उड़ जाएगा वो पानी, इवेपोरेट हो जाएगा. इवेपोरेट मीन्स it is converting into gas. Okay, this is the change of state of matter. How many states of matter are there? 3, solid, liquid and gas. Okay, and this diagram is demonstrating that solid melt hota hai, liquid banta hai, aur evaporate hokar kya banta hai, gas. This is the change of temperature, hai na, change of state of matter. लेकिन बेटा जब सॉलिड लिक्विड बनता है तो क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज होती है. इसी तरह
जब गैस बनता है तब भी एनर्जी इंक्रीज होती है. बेटा एनर्जी उस कंडीशन में इंक्रीज होती है व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर फ्री. ओके, जब वो जितने ज्यादा दूर होते हैं, फार अवे. अब क्या होता है? कंडेंसेशन. कंडेंसेशन में क्या होता है बेटा? गैस इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. इस सिचुएशन में क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल्स आर कमिंग क्लोज टुगेदर. ओके, एंड एनर्जी इज डिक्रीजिंग. ओके स्टूडेंट्स, एंड देन इफ लिक्विड विल बिकम सॉलिडिफाइज. आपने देखा होगा बेटा, हम वाटर को फ्रीज करने के लिए रखते हैं. वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म एंड फ्रीजिंग मीन्स आइस क्यूब्स. आइस क्यूब्स इज अ सॉलिड फॉर्म, है ना? तो बेटा उस केस में क्या होता है? एनर्जी इज डिक्रीजिंग. ओके, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर बाउंडेड क्लोज टुगेदर. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट दीज टू क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 इन दिस फॉर्म ओनली, अपने नोटबुक में. ठीक है, दीज आर द टू पॉइंट्स व्हिच आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू. ओके, एंड रेस्ट ऑफ द टू पॉइंट्स, दिस पॉइंट इज न्यू फॉर यू एज वी हैवंट डिस्कस्ड दिस पॉइंट अर्लियर. इट मे चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस. सी स्टूडेंट्स, आप किसी चीज को बर्न करते हो, हीट करते हो, तो आपने देखा होगा उसका कलर चेंज हो जाता है. अगर आप कुकिंग करते हो बेटा, तो उसमें वेजिटेबल का साइज, शेप एंड कलर तीनों चीजें चेंज हो जाती हैं, होती हैं बेटा. तो इट मीन्स व्हेन वी आर हीटिंग, व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग हीट टू एनी सब्सटेंस, वी कैन चेंज द शेप, साइज और कलर. बेटा आपको पता है मोल्डिंग फर्नीचर होता है आजकल, प्लास्टिक चेयर्स होती हैं, प्लास्टिक टेबल होती हैं, ये प्लास्टिक को हीट करके उसे मोल्ड किया जाता है. मोल्ड मीन्स उसे डिफरेंट शेप्स दिए जाते हैं, एंड दैट शेप इज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ हीट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ बेटा ट्रांसमिशन ऑफ हीट. ट्रांसमिशन मीन्स छोड़ना, भेजना, ट्रांसमिट करना. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज का जाना. ओके, ट्रांसमिट होना. आपको पता है हीट ट्रांसमिट होती है? भाई आजकल सनलाइट क्या कर रही है? हमारे जो कन्वेंस है, कार, स्कूटी, उन सबको गर्म कर देती है. बाहर कोई यूटेंसिल रखो, उसे गर्म कर देती है. ठीक है, इवन हमें जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है. इट मीन्स हीट इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम सनलाइट टू आवर बॉडी. ऐसा हो रहा है. सिमिलरली बेटा आपने देखा होगा, इफ यू फॉरगेट अ टेबल स्पून इन अ वेसल विच इज लाइंग ऑन द स्टोव. ओके, गर्म है, हीट निकल रही है स्टोव से, और आप उसमें चम्मच भूल गए हो, तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद वो चम्मच बहुत गर्म हो जाएगा. क्यों हो जाएगा बेटा? क्योंकि हीट जो है वो वेसल से आपके चम्मच में, स्पून में ट्रांसमिट हो गई है. ओके, ट्रांसमिशन ऑफ हीट. बेटा देयर आर थ्री वेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट विच इज मेंशन्ड इन फ्रंट ऑफ यू ऑन दिस स्लाइड. द फर्स्ट वन इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन. सी व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, क्या हो रहा है? इन्होंने कंडक्शन को पॉइंट आउट किया है एक हॉट स्टैंड से. ठीक है, ये जो वेसल का जो आपका जो हैंडल है उसको इन्होंने क्या किया है? कंडक्शन से पॉइंट आउट किया है, ये बहुत गर्म हो रहा है. तो इन्होंने कहा है कि ये गर्म इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर कंडक्शन हुआ है, कंडक्शन ऑफ हीट. और यहां पर जो एरोज है वो शो कर रहे हैं कि कन्वेक्शन हो रहा है. एंड सी यहां पर जो हीट निकल रही है दैट इज पॉइंटिंग आउट द रेडिएशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थ्री टर्म्स. ओके स्टूडेंट्स, सी दिस इज कंडक्शन. कैंडल, वी आर हीटिंग अ मेटालिक रॉड और वी कैन से मेटालिक स्ट्रिप. सी वी आर हीटिंग वन एंड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक रॉड एंड हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट. इजंट इट, ऐसा होता है बेटा, आपने कभी देखा है? यस, ऐसा होता है. तो वॉट इज कंडक्शन? दिस इज नोन एज कंडक्शन. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द डेफिनेशन ऑफ कंडक्शन. ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर रीजन, हॉटर पॉइंट टू द कोल्डर पॉइंट. हॉटर एंड
टू द कोल्डर एंड. ओके, दिस इज नोन एज कंडक्शन, और वी कैन से हायर रीजन टू लोअर रीजन. ओके, सी यहां पर हीट ज्यादा है, ये एक हायर रीजन है, और वहां पर हीट कम है, दैट इज अ लोअर रीजन है. ओके, तो हीट जब ट्रांसफर होती है हायर रीजन से लोअर रीजन तक, उसे कहते हैं कंडक्शन. ओके, नाउ कन्वेक्शन. सी, आपने कभी हॉट एयर बैलून के बारे में सुना है? हॉट एयर बैलून में बेटा एक जगह पर हीट जो है वो बर्न करते हैं, कोई चीज बर्निंग, ठीक है, फायर होता है, और उससे जो भी हॉटनेस निकलती है उससे ये बलून जो होता है वो उड़ता है. क्यों उड़ता है बेटा? क्योंकि बेटा ये क्यों उड़ सकता है सोचिए जरा, बिकॉज बेटा इसके अंदर कोई डेंसिटी नहीं होती, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, वेरी लो डेंसिटी, ठीक है, और हॉट एयर इज लाइटर इन वेट. ओके, तो इससे क्या होता है बेटा, लाइट चीजें जो होती हैं वो इजीली फ्लाई कर सकती हैं, उड़ सकती हैं. इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ हॉटनेस होती है. ओके, इसमें इसने कोई जो है वेट नहीं है, बहुत लेस, वेरी लेस वेट. ओके, दैट्स व्हाई हॉट एयर बलून कैन फ्लाई. ओके, कंडीले होती हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर होती हैं, ठीक है, जो हम दिवाली पर जलाते हैं और उन्हें आसमान में छोड़ते हैं, ठीक है ना बेटा. तो अब क्या है, इसमें होता क्या है, कन्वेक्शन में हीट तो सिर्फ इस जगह पर हो रही है, इस जगह पे फायर है, लेकिन गर्म क्या हो जाएगा, पूरा पूरा बलून गर्म हो जाएगा. क्यों गर्म हो जाएगा? क्योंकि ये रीजन से हीट जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी कहाँ पर, पूरे बलून में. ओके, दैट्स व्हाई. अब कंडक्शन और कन्वेक्शन में डिफरेंस क्या है भाई, इसमें भी हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में हीट ट्रांसफर हो रही है. बेटा डिफरेंस इज ऑफ मीडियम. वहां पर एक रॉड थी, एक हैंडल था जहां से हीट एक एंड से दूसरे एंड पर जा रही है. यहाँ पे ना कोई रॉड है, ना कोई मीडियम है, कोई मीडियम नहीं है जो हीट को ट्रांसमिट कर रहा है, जो भेज रहा है. यहाँ पे हीट अपने आप जा रही है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है. एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट ट्रांसफर हो रही है, और वो हीट पूरे बलून में स्प्रेड हो गई है, फैल गई है. ओके, आफ्टर दिस रेडिएशन. रेडिएशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मीन्स ऑफ इंफ्रा रेड रेडिएशन विच कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम और एयर. बेटा अबाउट रेडिएशन आई विल एक्सप्लेन टूमोरो, टूडे यू हैव टू थिंक अबाउट कंडक्शन एंड कन्वेक्शन ओनली. ओके, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज. ऑल्दो टूमोरो आई विल रिपीट कंडक्शन एंड कन्वेक्शन ऑल्सो अलॉन्ग विद द रिटन पार्ट बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. ओके, बट टूडे जस्ट इमेजिन डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स विच इज बेस्ड ऑन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन ओनली. Okay students, thank you everyone and finish your written part today itself. Okay, bye bye.